Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. தாம் ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் டு டெஸ்ட்புக் .com. ஐ எம் ஆதித்யா அஷ்டிகர், யுவர் மென்டார் ஃபார் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ். So we are back with another session of the Hindu Editorial Show at a different time. So in that case, jo log morning mein dekh nahi pa rahe the ya morning mein dekhne mein dikkat ho rahi thi, so let's give it a try. Ho sakta hai is time pe logo ko zyada dikkat na ho live dekhne mein. So in that case, sabhi ko share kar do, kyunki pehla hi din hai jab is time pe main session le raha hu. Aaj session morning mein maine liya zarur tha, maine RBI ka session liya tha, RBI assistant ka. So if you have missed that session, do watch it. RBI ke liye agar aap prepare kar rahe ho to that is a very beneficial session. Complete English ka wo session hai, 2 ghante mein maine us cheez ko cover karne ki koshish ki hai, theek hai. So aur jitne logon ne dekha tha wo log apna wahan feedback zarur chhod de ki how was the session, so that jo baki log hai wo dekhe to unhe pata chal jaye ki session kaisa tha. To ab editorial mein aaj kya hai ya kya nahi hai, time alag hai, koi baat nahi, but cheez wahi hai, quality nahi bigdegi, bhale time kuch bhi ho jaye, doesn't matter. So in that case, kya cheez hai kya nahi wo aaiye jaan lete hain. The Hindu editorial analysis of 10th February, ab hoga editorial ka postmortem. So here comes the things that you won't forget after today's class. So aise case mein aaj ki class mein kya khaas hone wala hai agar main bataun, so in that case sabse pehla hai difference between who and whom. To who aur whom mein kya difference hai वो आज पता चल जाएगा आप लोगों को. बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत रहती है कि हु कब लगाया जाए और हुम कब लगाया जाए. सो इन दैट केस हु और हुम में क्या डिफरेंस होता है वो आपको मैं बता दूंगा. साथ ही साथ ये भी एक कन्फ्यूजन है आरबीआई असिस्टेंट के लिए जो लोग एग्जाम के लिए अपेयर होने वाले या फिर एसबीआई क्लर्क आने वाला है. इनफैक्ट एसएससी सीजीएल का भी जो एग्जाम है सब लोगों का, सो इन दैट केस जो भी एग्जाम्स अभी अपकमिंग है उसमें ये एक पॉइंट सभी लोग नोट कर लेना, आज के सेशन में क्लियर हो जाएगा. इट्स और इट इज़ में डिफरेंस क्या होता है, कैसे हम एग्जाम में सेंटेंस पढ़ते वक्त पता कर ले कि यहाँ पे इट्स सही होगा या इट एपोस्ट्रोफीज मतलब इट्स वहाँ पे सही होगा, ये चीज़ भी आज क्लियर हो जाएगी बहुत अच्छे से, जिसके बाद आप कभी भूलने वाले नहीं हो, ठीक है. वर्ड्स दैट टेक प्रीपोजिशन फ्रॉम और इनटू, तो फ्रॉम और इनटू लेने वाले प्रीपोजिशंस कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा. साथ ही साथ ऑन कौन सा ऑन प्रीपोजिशन किन वर्ड्स के साथ जाता है वो भी हमें पता चल जाएगा. और सबसे बड़ी चीज़ करेक्ट यूज ऑफ वर्ब इन केस ऑफ सेंटेंस स्टार्टिंग विथ जीरंड. तो जीरंड से सेंटेंस अगर स्टार्ट हो रहा है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, क्यों आनी चाहिए, वो रीजन सहित मैं आपको बता दूंगा. दैट मीन्स आज के सेशन में काफ़ी कुछ फिर से कवर होने वाला है. पूरा सेशन हो जाए फिर उसके बाद ज़रूर मेरे को बता देना कि आपका कितने मार्क्स का आज का कवर हो गया है किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है. सो इन दैट केस बढ़ते हैं न्यूज़पेपर की तरफ. तो न्यूज़पेपर में क्या क्या चीज़ें आई हुई है वो देख लेते हैं. सो इन दैट केस कंप्यूटर जी जरा न्यूज़पेपर से, यस देन इट्स फाइन. अगर देखा जाए यहाँ पे सबसे पहला आया हुआ है सर्चिंग फॉर अ सॉल्यूशन, ये आया है बोडो एकॉर्ड. बोडो क्या है, बोडो एक आसाम की कह सकते हैं एक ट्राइब ऑफ पीपल है. तो ऐसे कि इसमें उस पर बेस्ड कुछ एग्रीमेंट हुआ है तो उसके ऊपर बात आई है. आज के न्यूज़पेपर में ज़्यादा कुछ खास कुछ ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि बहुत इन्फॉर्मेटिव कोई भी सेक्शन है. उसके अलावा एक जो आया है वो अच्छा है कैट कोनंड्रम, तो ये अपने आप में चीता के ऊपर आया हुआ है, उसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में. तो आज जुड़े रहिएगा, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको आज पता चलने वाली हैं. साथ ही साथ अ नेशन फॉर द परसिक्यूटेड, ये बात हो रही है इंडिया के लिए. पहले एक समय था स्वामी विवेकानंद ने बोला था कि मैं बहुत खुश हूँ कि जो है मैं ऐसे देश में पैदा हुआ जहाँ पे सभी लोगों का वेलकम किया जाता है चाहे वो कहीं के भी हो. बट अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने जो NRC और CEA लागू किया है तो उसके चलते कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो दिक्कत हो रही है कि भाई वो नेशन के लिए नहीं हुआ या नेशन के लिए नहीं रहा, उस तरह से कुछ बात की जा रही है, ठीक है.
विक्टिम जस्टिस इज टू स्टेप्स फॉरवर्ड एंड वन स्टेप बैक, ये भी एक नॉर्मल वैसा ही इशू है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट. सीकिंग अ मोर प्रोग्रेसिव एबॉर्शन लॉ, इसकी बात करें तो इन दैट केस इसको जो है अभी रिसेंटली हमने डिस्कस भी किया था, एक बिल आया था अभी, कौन सा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल, तो उसी के ऊपर आगे बात कह रहे हैं कि वो कितना सेफ है और क्या क्या किया जा सकता है उसके ऊपर. बाकी आज है मंडे, तो मंडे को ये वाला सेक्शन जो है वो केवल और केवल पिछले हफ्ते में से एक आर्टिकल के ऊपर डिस्कशन होता है, सो दिस इज ऑफ नो यूज अगेन. और उसके अलावा आ रहा है, ये एक बाहर का इशू है, कह सकते हैं इंटरनेशनल इशू है, मलावी एट द क्रॉस रोड्स, ये आया हुआ है नायरोबी के ऊपर. नायरोबी मतलब अफ्रीका में पड़ता है, तो ऐसे केस में नायरोबी की अभी जो रूलिंग्स है वो अपने आप में ऑप्टिमिज्म बता रहा है कि आगे डेमोक्रेटिक फ्यूचर काफ़ी अच्छा होने वाला है इन कंट्रीज़ का. तो इतना है, बाकी बढ़ते हैं फॉरेन इन्फॉर्मेशन की तरफ. सो इन दैट केस फॉरेन इन्फॉर्मेशन में क्या है क्या नहीं, सो फॉरेन इन्फॉर्मेशन में आज आपको पता चल रहा है, चीताज आर स्पॉटेड कैट्स बेस्ट नोन फॉर बीइंग द फास्टेस्ट लैंड एनिमल स्प्रिंटिंग एट स्पीड्स ऑफ अबाउट 120 किलोमीटर 75 माइल्स पर आवर. चीता जो है वो अपने आप में स्पॉटेड कैट्स होते हैं, मतलब कैट्स जैसे होते हैं बिल्कुल वैसे होते हैं, स्पॉट उनके में रहता है, ठीक है. और ये जाने जाते हैं फास्टेस्ट लैंड एनिमल, बचपन में सुना भी होगा चीता इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल, राइट. और उनकी स्पीड जो होती है वो तकरीबन 120 किलोमीटर की होती है पर आवर, 120 किलोमीटर पर आवर. दे कैन एक्सेलरेट फ्रॉम 0 to 97 किलोमीटर्स पर आर इन 3 सेकेंड. तो ऐसे केस में 3 सेकेंड में केवल और केवल जो है वो 0 to 97 की स्पीड पकड़ लेते हैं, मतलब एक रेसिंग कार से भी तगड़ी चीज़ है ये, तो है ना, मेकिंग दम फास्टर देन मोस्ट स्पोर्ट्स कार. काफ़ी सारे स्पोर्ट्स कार वैसे आजकल तो बहुत ज़्यादा कह सकते हो टेक्निकली काफ़ी जो है साउंड एक तरह से गाड़ी आने लगे 300-400 किलोमीटर वाली भी, वो अलग चीज़ है, बट इन जनरल बात करें तो इसकी अपने आप में स्पीड काफ़ी अच्छी होती है. बाकी अगर देखें बट दे आर फेसिंग एक्सटिंक्शन, लेकिन इनका भाई धीरे धीरे ये लोग एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, या ये सारे एनिमल्स एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं. सो इन दैट केस प्रेशर फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, हंटिंग बाय ह्यूमंस एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन आर रिड्यूसिंग देयर पॉपुलेशन. तो ऐसे केस में रीज़न क्या है उनके कम होने का, तो रीज़न सबसे पहला है क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, फिर उसके अलावा जो है ह्यूमंस हंट करते हैं उसको, और साथ ही साथ हैबिटेट डिस्ट्रक्ट हो रहा है, तो उसके कारण उनकी पॉपुलेशन क्या हो रही है, घटती जा रही है, ठीक है. सो इन दैट केस अगर देखा जाए आगे क्या है क्या नहीं, सो नेक्स्ट आते हैं आज के वर्ड्स. सो टुडेज वर्ड्स क्या क्या वर्ड्स है, कोनंड्रम एक वर्ड है, कोनंड्रम मतलब अपने आप में कंफ्यूजिंग या डिफिकल्ट प्रॉब्लम होती है. देन वी हैव एक्जॉटिक, विदेशी जिसको बोलते हैं, हैबिटेट मतलब सराउंडिंग्स या एनवायरमेंट, बल्वॉक. अब ये बल्वॉक क्या है, यहाँ पे जो यूज़ हुआ है वो बैरियर या प्रोटेक्शन के रूप में यूज़ हुआ है, ठीक है, एक प्रोटेक्टिव वॉल को बोला जाता है बल्वॉक. उसके अलावा क्रीपिंग, क्रीपिंग का मतलब है ग्रेजुअली बिल्डिंग या डेवलपिंग या इंक्रीजिंग. ग्रेसफुल जो कि अपने आप में कोई आकर्षक टाइप की चीज़ हो, ब्यूटी या ब्यूटी ऑफ मूवमेंट, स्टाइलिश टाइप की कोई चीज़ हो, तो उसको ग्रेसफुल बोला जाता है. एक्स्ट्रापेट मतलब जो है याद कर सकते हो ऐसा, एक्स्ट्रापेट है ना, एक्स्ट्रापेट काट देना, एक्स्ट्रापेट काट देना किसी का, मोटे अंकल का एक्स्ट्रापेट काट दो, तो इसका मतलब क्या, इरेडिकेट या डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली, मतलब वहाँ पर जो एक्स्ट्रा चीज़ है उसको हटा देना, तो वो होता है एक्स्ट्रापेट. बाकी अगर देखें तो एंटीक्विटी, हाइपोथेसिस, फेयर बेटर, रीस्ट्रेनिंग, रीवाइल्ड, वायबिलिटी, चीक बाय जॉल, और उसके अलावा प्रिस्टाइन, तो ये सारे कुछ वर्ड्स हैं जो कि आज के सेशन में यूज़ होने वाले हैं, और कैसे यूज़ होंगे वो भी हम देखेंगे. देन वी हैव इनकॉन्ग्रुअस, फ्रेजाइल, लिटर और वायबल, इन सब का यूज़ हम जानेंगे पूरा का पूरा सेशन में, तो वो क्या है आइए वो देखते हैं. सो इन दैट केस कैट कोनंड्रम ये लिखा हुआ है. बाकी अच्छा मैं आप लोगों को बता दूं, दो वर्ड्स आपको अभी मीनिंग दिख नहीं रहे होंगे मेरे कारण, लेकिन वो अभी ज़रूरत नहीं है, जब आएंगे तब वहाँ पे मेरे को जो है कंप्यूटर जी हटा देंगे, तो आप वहाँ पे देख सकते हो, अभी ज़रूरत नहीं है, अभी केवल फोकस रहो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पे, वो भी जैसे जैसे ज़रूरत आन पड़ेगी वैसे, ठीक है. सो इन दैट केस कैट कोनंड्रम, कोनंड्रम का मतलब क्या है पहले ये समझो. कोनंड्रम मतलब होता है एक तरह से पहेली, कोई इसी तरह इस तरह की कोई चीज़ होती है, अगर मैं कहूँ जैसे कह सकते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो कि हमें पजल कर दे, या कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन प्रॉब्लम है, तो ऐसे कि इसमें वहाँ पे कोनंड्रम उसको बोलते हैं, ठीक है, पहेली को बोला जा सकता है. कैट कोनंड्रम ऑन चीताज इन इंडियन फॉरेस्ट, तो इंडियन फॉरेस्ट में जो चीताज लाने की बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर ये कैट कोनंड्रम जो है निकल के आया है. कह रहे इंडिया मिसेज इट्स चीताज, बट द प्रायोरिटी मस्ट बी टू प्रिजर्व द एग्जिस्टिंग
स्पीशीज, तो नो डाउट इंडिया में पहले चीता थे, तो अब ऐसे केस में उसको हम मिस करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अभी जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज है हमारे पास उसको भी हम प्रिजर्व करना छोड़ दें. जो गया सो गया, अभी जो है हमारे पास प्रेजेंट की हमें सोचनी चाहिए, उसी के हिसाब से चलना चाहिए. तो कह रहे हैं द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर इनेबलिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ एग्जॉटिक चीतास टू एन इंडियन हैबिटेट ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस हैज नेचुरली लेड टू रिन्यूड एंथुसियाज्म अमंग वाइल्ड लाइफ लवर्स who see in it a potential bulwark against creeping pressures on habitats. कह रहे हैं क्या सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है किस चीज का, कि इंट्रोडक्शन ऑफ एग्जॉटिक चीता, एग्जॉटिक मतलब विदेशी, जो बाहर के जो चीता है उनको इंट्रोड्यूस किया जाए इंडियन हैबिटेट में, मतलब इंडियन सराउंडिंग्स में वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाए एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, कि मतलब उनको एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ऐसा करके देखते हैं तो उससे क्या होगा, हैज नेचुरली लेड टू रिन्यूड एंथुसियाज्म अमंग वाइल्ड लाइफ लवर. तो नो डाउट इससे जो है जो एक तरह से वाइल्ड लाइफ लवर्स है तो वो अपने आप में क्या, सो इन दैट केस अगर देखा जाए जो आपके ये वाइल्ड लाइफ लवर्स हैं तो वाइल्ड लाइफ लवर्स में तो एक उत्साह का माहौल भरा हुआ है कि वाह कि हमें जो है चीतास देखने को मिलेंगे फिर से, वो तो ठीक है. तो ऐसे केस में हु सी इन इट अ पोटेंशियल बल्वाक अगेंस्ट क्रीपिंग प्रेशर्स ऑन हैबिटेट्स. तो ये किन लोगों को दिख रहा है उत्साह, किन लोगों में दिख रहा है, जो कि उसको देखते हैं कैसे एक प्रोटेक्शन की तरह देख रहे हैं कि जो क्रीपिंग हैबिटेट पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है, हैबिटेट एक तरह से मतलब बिगड़ता जा रहा है, तो उसके आने से थोड़ा मोड़ा कुछ सुधार देखने को मिल सकता है. आगे कह रहे हैं एज अ ग्रेसफुल एनिमल दैट वॉज हंटेड एंड एक्सटर्पेटेड इन द कंट्री इन द 20th सेंचुरी द कैट हैज पीरियडिकली इंस्पायर्ड कैंपेन्स फॉर अ फ्रेश इंट्रोडक्शन मेनली इंस्पायर्ड बाय द नेशनलिस्टिक सेंस ऑफ लॉस. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कह रहे हैं एज अ ग्रेसफुल, ग्रेसफुल क्या होता है भाई, ग्रेसफुल का मतलब होता है कैरेक्टराइज्ड बाय ब्यूटी और मूवमेंट, स्टाइल फॉर्म, आप स्टाइलिश समझ सकते हो, ठीक है, एक स्टाइलिश एनिमल की तरह अगर देखा जाए, आकर्षक एनिमल है, तो एज अ स्टाइलिश एनिमल दैट वॉज हंटेड एंड एक्सटर्पेटेड. अभी बताया था एक्सटर्पेटेड मतलब बिल्कुल मार डालना, यहाँ पे मार डालने के सेंस में आएगा, पूरी तरह से खत्म कर दिया उस पूरे स्पीशीज को ही, इधर से इरेडिकेट कर दिया, जड़ मूल से नष्ट कर दिया. इन द कंट्री इन द 20th सेंचुरी द कैट हैज पीरियडिकली इंस्पायर्ड कैंपेन्स फॉर अ फ्रेश इंट्रोडक्शन मेनली इंस्पायर्ड बाय द नेशनलिस्टिक सेंस ऑफ लॉस. ठीक है, तो ये इधर तक लिखा हुआ है, तो भाई था तो स्टाइलिश एनिमल वो चीता जो कि हंट किया जाता था या कह सकते हो डिस्ट्रॉय किया जाता था, जो 20th सेंचुरी में किया गया था. तो ऐसे केस में उसी की बात करते हो, कह रहे हैं कैट हैज पीरियडिकली इंस्पायर्ड कैंपेन्स फॉर अ फ्रेश इंट्रोडक्शन. तो ऐसे केस में हर बार फ्रेश इंट्रोडक्शन के लिए वो कैंपेन्स उसके लिए इंस्पायर किए गए हैं, जो कि अपने आप में नेशनलिस्टिक सेंस ऑफ लॉस के तहत वो कैंपेन्स हमेशा यूज मतलब किए गए हैं. दैट मीन्स कि यार चीता बिल्कुल हमारा अगर चीता एक्सटिंक्ट हुआ है तो उस तरह से एक तरह से वो नेशनल लॉस है, उस तरह से कंसिडर किया गया है. ठीक है, बाकी अगर हम बात करें, अब आते हैं ग्रामर परस्पेक्टिव पे, ग्रामर में क्या क्या चीज़ें वो अब जान लेते हैं. लिखा है द लगा है सुप्रीम कोर्ट के पहले, रीजन बहुत अच्छे से पता है, दोज़ हू आर न्यू टू द शो उनको बताने की जरूरत पड़ेगी, बट जो लोग भाई रेगुलर आते हैं उन्हें तो बहुत अच्छे से पता है कि भाई एक फंक्शनिंग बॉडी की बात हो रही है, और जब भी फंक्शनिंग बॉडी की बात हो रही है तो वहाँ पे क्या होता है भाई, फंक्शनिंग बॉडी के पहले द जरूर लगता है. ठीक है, तो इन दैट केस द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर इनेबलिंग, अब ये ऑर्डर के बाद इनेबलिंग क्यों लगा है, या ऑर्डर के बीच में और इनेबलिंग के बीच में क्या हो सकता है, तो वहाँ समझने वाली बात है. सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर ऑफ, यहाँ ऑफ अंडरस्टूड वर्ड है या कहो ऑफ हिडन वर्ड है, उसको आप इस तरह से पढ़ सकते हो, द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर ऑफ इनेबलिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ, ठीक है, या एक और तरीका हो सकता है, ऑफ नहीं लगाए तो विच इज लगा सकते हो, द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर विच इज इनेबलिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ, वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, मेन हिडन लैंग्वेज या रीडिंग बिटवीन द लाइन्स आना बहुत जरूरी है, वो जरूरी रहेगा आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए. कह रहे हैं द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर ऑफ इनेबलिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ एग्जॉटिक चीतास टू एन इंडियन हैबिटेट ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस. अब देखो बेटा यहाँ पे लिखा था द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर, ऑर्डर था ये, सब्जेक्ट था, आगे लगा ऑफ इनेबलिंग, ये सब प्रीपोजिशन मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गया, तो अब ये प्रीपोजिशन, फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, फिर प्रीपोजिशन, फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, फिर प्रीपोजिशन, फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, फिर प्रीपोजिशन, फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चल रहा है. तो वर्ब अब जो हैज लग रही है उसका सब्जेक्ट क्या होगा, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के पहले हमारा मुद्दा था वो क्या था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, ऑर्डर सिंगुलर है इसलिए वर्ब सिंगुलर आ रहा है, द ऑर्डर हैज नेचुरली लेड, और अगर यही चीज ऑर्डर्स लिखा होता, बहुत सारे ऑर्डर्स होते, मल्टीपल ऑर्डर्स होते, तो हैव लग जाता है. ठीक है, ये बात तो आप
क्लियर रहेगी आप लोगों के दिमाग में, राइट? द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर हैज नेचुरली लेड टू, लेड लगाए जब भी आपको लीड या लेड या लीडिंग वाला कोई भी केस देखने को मिले, हमेशा ध्यान रखना उसके साथ प्रीपोजिशन जो है वो हमेशा टू रहता है, तो लेड टू इसी तरह से हम लिखेंगे, ठीक है? लेड टू रिन्यूड एंथुसियाज्म अमंग वाइल्ड लाइफ लवर्स. अब अमंग क्यों लगाए, क्योंकि जितने भी वाइल्ड लाइफ लवर्स हैं उनके बीच जो है उत्साह का माहौल है, तो ऐसे केस में वहाँ पे अमंग लगेगा. अगर वहाँ दो चार पाँच छः चीज़ें लिखी होती वाइल्ड लाइफ लवर्स ये वो फलान डिमका, तब वहाँ पे बिटवीन लग सकता था, बट अभी के लिए वो वाइल्ड लाइफ लवर एक ग्रुप ऑफ पीपल की तरह काउंट हो रहा है, और जब भी ऐसा होगा तो वहाँ पे क्या लगेगा, वहाँ पे आप अमंग ही लगाओगे, बिटवीन नहीं लगाओगे, ठीक है? आगे कह रहे हैं हु सी इन इट अ पोटेंशियल बलवर्क अगेंस्ट क्रीपिंग प्रेशर्स ऑन हैबिटेट्स. अब चीज़ को समझना, यहाँ हु लगा है, हु क्यों, हुम क्यों नहीं? तो देखो, हु लगा हुआ है, हु का यूज़ होता है भाई, और हुम का यूज़ होता है, क्या डिफरेंस है पहले तो ये समझेंगे. हु सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट जो है वो अपने आप में क्या, सब्जेक्ट के केस में वहाँ पे हु लग रहा है तो वहाँ पे वर्ब, जब भी आगे वर्ब आ रहा है सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब आ रहा है, मतलब ये सब्जेक्ट खुद कुछ काम कर रहा है, तो ऐसे केस में आप लगाओगे हु. और अगर सब्जेक्ट के केस में वहाँ पे, या सब्जेक्ट लिखना थोड़ा सा गलत होगा, अगर मैं इसको पर्सन लिख दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, सब्जेक्ट लिखना थोड़ा सा गलत होगा. एक काम कर रहे हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ यहाँ पे, ऐसा समझो पर्सन अगर है, पर्सन के केस में अगर पर्सन खुद कुछ काम कर रहा है, ठीक है, पर्सन खुद कुछ काम कर रहा है तो वहाँ पे लगा देना हु. और पर्सन के ही केस में अगर पर्सन वो खुद कुछ काम ना करके आगे आने वाला जो सब्जेक्ट है, सो ओके, आने वाला जो सब्जेक्ट है सो वो अगर कुछ काम करने की बात कर रहा है, तो ऐसे केस में वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे हुम लगा दोगे, ठीक है? क्या मतलब है, पर्सन अगर खुद कुछ काम कर रहा है तो वहाँ पे लग जाएगा हु, पर्सन खुद कुछ काम ना करके आगे आने वाला सब्जेक्ट जो है वो कुछ काम कर रहा है तो लग जाएगा हुम. जैसे मैंने कहा ही इज द बॉय डैश प्रपोज्ड द गर्ल. जैसे ये एक सेंटेंस लिखा है, ठीक है, अभी तो भैया वो चल भी रहा है ना, महीना चल रहा है, तो इन दैट केस अगर हम बात करें ही इज द बॉय डैश प्रपोज द गर्ल, ऐसा एक सेंटेंस लिखा है, तो वहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, अगर मैं आपसे पूछूं इधर हमें हु या हुम में से लगाना है तो क्या लगाया जाए भाई, तो ऐसे केस में बॉय है, बॉय पर्सन है, और उस पर्सन ने खुद कुछ काम किया है, तो ऐसे केस में वहाँ पे क्या लग जाएगा भाई, वो अब आ रहा है तो हु लगा दिया जाएगा विदाउट एनी हेजिटेशन, राइट? ही इज द बॉय हु प्रपोज द गर्ल. लेकिन अगर यही सेंटेंस लिखा होता ही इज द बॉय, ठीक है, और आगे लिखा था ही इज द बॉय डैश, तो अब ऐसे केस में आगे अगर खुद वहां पे कुछ, जैसे मान लो लिखा होता ही इज द बॉय डैश शी स्लैब्ड, भाई अब दोनों चीजें हो सकती है ना, तो ऐसे केस में उसने तो अपना काम किया, कर्तव्य निभाया लड़के ने, अब लड़की भी अपना कर्तव्य निभा सकती है, तो ऐसे केस में वहां पे क्या लिखा है, ही इज द बॉय डैश शी स्लैब्ड. अब मुझे लगाना है, देखो अब बॉय ने कुछ काम नहीं किया, बल्कि बॉय पर्सन है, बल्कि आगे आने वाला जो सब्जेक्ट है वो कुछ काम कर रहा है, तो ऐसे केस में ही इज द बॉय डैश शी स्लैब्ड लग रहा है, तो ऐसे केस में हम क्या लगा देंगे भाई, हुम लगाएंगे, हु नहीं लगाएंगे, ठीक है? ही इज द बॉय हुम शी स्लैप्ड, इस तरह से लिख जाएगा. तो अब हुम लग गया, क्यों लगा, क्योंकि लड़के ने खुद कुछ काम नहीं किया, बल्कि वहाँ पे आगे आने वाले सब्जेक्ट ने कुछ काम किया है, कोई एक्शन किया है, ठीक है? क्या किया है, लड़के को थपड़िया दिया, तो ऐसे केस में वहाँ पे लग जाएगा स्लैप्ड. आई होप सो आपको क्लियर है हु और हुम में क्या डिफरेंस रहेगा, ठीक है? सो इन दैट केस हु और हुम का डिफरेंस अगर क्लियर है, अभी देख सकते हो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ लवर्स लिखा है, अमंग वाइल्ड लाइफ लवर्स, और डैश लग के सी लिखा है, सी मतलब क्या है बेटा, वर्ब है, और वर्ब है मतलब क्या हुआ, वही हु लग जाएगा, वाइल्ड लाइफ लवर्स हु सी इन इट अ पोटेंशियल बलवर्क. आई बात समझ में, आई होप सो ये क्लियर है सब लोगों को कि कैसे हमें उस चीज को टैकल करना है. हाँ, ही इज द बॉय हुम यू वांट टू मीट, या ही, हाँ, सो इन दैट केस आई होप सो शी स्लैप्ड की जगह शी एक्सेप्ट, हाँ, तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम किस तरह से कर रहे हो ना, उसका एक तरीका होता है, तुम अगर मतलब वो डिपेंड करता है आप लोगों में कितना अप्रोच पावर है. चलो ये सब चीज़ें आप लोग खुद मैनेज कर सकते हो. अगर एक्सेप्टेड होता ही इज़ द बॉय डैश, अगर वहाँ पे इस तरह से लिखा होता ही इज़ द बॉय डैश प्रपोजल शी एक्सेप्टेड इस तरह से लिखा होता, तो वहाँ पे तो खैर हुज हो जाता अगर इधर ऐसा लिखा होता तो, ठीक है? जैसे मान लो इसी सेंटेंस में लिखा होता ही इज़ द बॉय डैश प्रपोजल शी एक्सेप्टेड, तो वहाँ पे प्रपोजल है जिसको कि एक्सेप्ट किया गया, तो ऐसे केस में हुज लग जाएगा, वो एक अलग चीज़ रहेगी, ठीक है? चलिए वापस आते हैं. सो इन दैट केस हु सी इन इट अ पोटेंशियल बलवर्क अगेंस्ट क्रीपिंग
प्रेशर्स ऑन हैबिटेट, तो ऐसे इसमें क्रीपिंग मतलब जो बढ़ता हुआ या कह सकते हो बिल्डिंग प्रेशर्स के सेंस में जा रहा है, अगेंस्ट क्रीपिंग मतलब स्लोली स्लोली जो काम होगा, ठीक है, क्रॉल होते हुए जैसे रेंगना होता है ना, बिल्कुल वही, तो अगेंस्ट क्रीपिंग प्रेशर्स ऑन हैबिटेट्स, जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है ना। आगे कह रहे हैं, एज अ ग्रेसफुल एनिमल दैट वॉज हंटेड एंड एक्सट्रपेटेड इन द कंट्री इन द 20th सेंचुरी, द कैट हैज पीरियडिकली इंस्पायर्ड कैंपेन्स फॉर अ फ्रेश इंट्रोडक्शन मेनली इंस्पायर्ड बाय नेशनलिस्टिक सेंस ऑफ लॉस। तो ऐसे केस में यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ है नहीं जो ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से बताने लायक है, ठीक है। एनिमल सिंगुलर सब्जेक्ट है, दैट लगाया तो सिंगुलर हो पाएगा, दैट वॉज हंटेड एंड एक्सट्रपेटेड, एंड लगाया एंड के इधर वहाँ पे थर्ड फॉर्म जा रही है तो इधर भी थर्ड फॉर्म ही आएगी, वॉज हंटेड was extirpated in the country in the 20th century. 20th century एक period of time है, इसलिए in लग रहा है, period of time के लिए in लगता है। The cat has periodically inspired campaigns for a fresh introduction, mainly inspired by the nationalistic sense of loss. ठीक है, चलिए clear है, I hope so, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। So आगे अगर बात करें in that case वहाँ पर क्या है या क्या नहीं वो अगर जान ले, नेक्स्ट पैराग्राफ कह रहा है यहाँ पे, रिमार्केबली द एंटीक्विटी ऑफ द हाई स्पीड हंटर दैट फॉर्म्ड पार्ट ऑफ मुगल हंटिंग ग्रुप्स हैज बीन अ मैटर ऑफ साइंटिफिक डिबेट विथ मच लिटरेचर ट्रेसिंग द ओरिजिन्स ऑफ द एशियाटिक चीता टू अबाउट 2 lakh ईयर्स अगो एंड वन रिसेंट हाइपोथेसिस आर्ग्यूइंग इन कॉन्ट्रास्ट दैट इट अपीयर्स टू बी अ रिलेटिवली मॉडर्न एलियन इम्पोर्ट टू इंडिया। तो यहाँ पे दो बातें कही गई हैं, कह रहे हैं रिमार्केबली एंटीक्विटी, एंटीक्विटी का यहां जो मतलब है वो ओरिजिनेशन की बात हो रही है ना, कि कहां से वो ओरिजिन हुआ है, उत्पत्ति हुई है। कह रहे हैं कि ये जो हाई स्पीड हंटर मतलब चीता की बात होते हुए कह रहे हैं कि इसका ओरिजिन क्या था, जो कि अपने आप में मुगल हंटिंग ग्रुप्स जो है उसका भी पार्ट था, वो साइंटिफिक डिबेट रही है, क्योंकि काफ़ी सारे लिटरेचर जो ऐसा है वो काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जहाँ पे एशियाटिक चीता को 2 lakh साल पुराना बताया जाता है, तो वहीं एक रिसेंटली हाइपोथेसिस एक हुई है, मतलब एक थ्योरी की बात कर रहे हैं, एक स्पेकुलेशन हुआ है, तो उसके चलते जस्ट अपोजिट, इन कॉन्ट्रास्ट लिखा है, मतलब वहाँ पे जस्ट अपोजिट जाएगा, इन कॉन्ट्रास्ट दैट इट अपीयर्स टू बी अ रिलेटिवली मॉडर्न एलियन इम्पोर्ट टू इंडिया। तो ऐसा बता रहे हैं कि ये तो अभी रिसेंटली ही कोई जो है ये चीता जो है रिसेंटली इंडिया में इम्पोर्ट होके आया कहीं और से, ठीक है, तो मॉडर्न एलियन इसलिए बताया जा रहा है, ठीक है। आगे अगर देखें तो कह रहे हैं क्या, कह रहे हैं विथ अ ग्रुप, इधर तक तो क्लियर है, विथ अ ग्रुप सर्वाइविंग इन ईरान देर इज ग्रोइंग इंटरेस्ट इन प्रिजर्विंग द एशियन पॉपुलेशन। तो कह रहे हैं विथ अ ग्रुप सर्वाइविंग इन ईरान, तो ऐसे कि इसमें इनका एक ग्रुप जो है एशियाटिक टाइगर चीता का, उनका एक ग्रुप कहाँ पे है, ईरान में सर्वाइव कर रहा है, लेकिन वहाँ पे एशियन पॉपुलेशन के इन सब चीता को बचाने की बात कर रहे हैं। तो विथ अ ग्रुप, क्योंकि भाई ईरान में सर्वाइव कर रहा है, तो ऐसा मानना जा रहा है कि एशिया में भी जो है उनको भी हमें प्रिजर्व करना चाहिए, बचाना चाहिए। वॉट एवर इट्स ओरिजिन, इट इज illogical to expect that a new population whether from Africa or Iran will fare better today than in the past. तो कह रहे हैं कि भले ही उसकी ओरिजिन कुछ भी हो हमें उससे मतलब नहीं है, ये इलॉजिकल हो गया भाई अगर आप ऐसा एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि जो नई पॉपुलेशन है चाहे वो अफ्रीका से आ रही हो चाहे ईरान से वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगी as compared to the past, तो ये चीज़ तो भाई illogical रहेगा अगर आप ऐसा कुछ expect करके बैठे हो तो। It is worth recalling that the same court observed in its 2013 order restraining the environment ministry from importing African cheetahs into Cuno, Madhya Pradesh, that there are many seriously threatened Indian species such as lion, the great Indian bustard, Bengal florican, the dugong, and the Manipur brow antlered deer which deserve immediate conservation action. So keh raha hai kya, bhale uski origin kuch bhi rahi ho ye to maine bata hi diya, to in that case yahan keh raha hai it is worth recalling that the same court, wahi court jisne ki ye abhi bola hai, to aise case mein ya wahi court jisne ki ye order diya tha, observe kiya tha 2013 mein कि एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को उसने रोक दिया था, रिस्ट्रेन लिखा हुआ है, रिस्ट्रेन का मतलब प्रिवेंट करने के सेंस में, रिस्ट्रेनिंग द एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री फ्रॉम इंपोर्टिंग अफ्रीकन चीताज इनटू क्यूनो, क्यूनो एक जगह है मध्य प्रदेश में। तो जिस कोर्ट ने 2013 में इस चीज़ से एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को करने से रोका था, दैट देयर आर, तो इन दैट केस वहाँ पे कह रहे हैं that there are many seriously threatened Indian species, तो कह रहे हैं कि जिसमें कि ये बोला गया था कि काफ़ी इंडियन स्पीशीज़ पहले से थ्रेटेंड है, जैसे कि लॉयन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया, ठीक है, उसके अलावा बंगाल फ्लोरिकन हो गया,
द ड्यूगोंग, द मैनीपुर, ये सब अलग अलग टाइप की स्पीशीज है विच डिजर्व इमीडिएट कंजर्वेशन एक्शन. तो उन्होंने यही कहा था कि आप उनको लेने की या लाने की बात कर रहे हो, उससे पहले क्या करो, उससे पहले जो हमारे यहाँ पहले से थ्रेटेंड स्पीशीज है उनको बचाने की कोशिश करो, आप दूसरी जगह से ये लाने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो ये बात जो है 2013 में कोर्ट ने ऑब्जर्व करते हुए बोली थी, ठीक है, इसीलिए उसको वर्थ मैंशनिंग है ऐसा बोला जा रहा है. बाकी अगर देखें तो इन दैट केस ओके विक्की डालमिया, वैसे अगर कोई आपको हेल्प कर रहा है तो आई डोंट थिंक सो देर इज़ एनी इश्यू. आप चैट, अगर आपको चैट से डिस्टर्ब हो रहा है तो आई थिंक सो यू कैन डेफिनेटली वो चैट आप हाइड कर सकते हो, आप मेरी बात को केवल सुन सकते हो, ठीक है. इनफैक्ट ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब आई थिंक सो, क्योंकि भाई वो अपने आप में हर एक मीनिंग बता देता है, क्योंकि कई मीनिंग्स ऐसे होते हैं जो मैं स्किप कर देता हूँ. आई डोंट थिंक सो यू शुड अप्रिशिएट दैट पर्सन जो इतनी मेहनत कर रहा है, उसको क्या पड़ी है, वो नॉलेज शो नहीं करना है, शो करने की उसको ज़रूरत नहीं है. ही इज़ ऑलरेडी अ सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है. तो वो पहले से सेलेक्टेड है, अगर वो उधर आप लोगों को हेल्प कर रहा है तो आई डोंट थिंक सो कि वहाँ कोई इशू होना चाहिए, ठीक है. अगर कोई इशू हो विक्की तो बेटर है आप कॉमेंट सेक्शन में मेरे को बता दीजिएगा, ठीक है. वैसे आई डोंट थिंक सो देर इज एनी प्रॉब्लम, वो पहले से सेलेक्टेड कैंडिडेट ही है, ठीक है, वो नॉलेज शो करने की उसको ज़रूरत पड़ेगी नहीं. तो इन दैट केस अगर मैं बात करूँ रिमार्केबली द एंटीक्विटी ऑफ द हाई स्पीड हंटर, अब देखो रिमार्केबली अगर बात करें द एंटीक्विटी ऑफ द हाई स्पीड हंटर, एंटीक्विटी मतलब वही ओरिजिन जैसे कि मैंने कहा दैट फॉर्म्ड. अब ये एंटीक्विटी सब्जेक्ट है तो उसी के लिए वर्ब यूज हो रहा हैज़, द एंटीक्विटी हैज़ बीन अ मैटर ऑफ साइंटिफिक डिबेट, इस तरह से बोला जा रहा है, ठीक है. हैज़ बीन अ मैटर ऑफ साइंटिफिक डिबेट विथ मच लिटरेचर, विथ लगा हुआ है, मैंने पहले भी कई बार बताया कि विथ जब भी लगा है तो उसके बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में जाता है. विथ मच लिटरेचर है तो वर्ब आईएनजी फॉर्म में जाएगा. ट्रेसिंग द ओरिजिन्स ऑफ द एशियाटिक चीता to about 2 lakh years ago and one recent hypothesis arguing, और अब वही चीज़ बोल रहा है, एंड वन रिसेंट हाइपोथेसिस जो कि ये आर्ग्यू कर रहा है वो भी उल्टा अपोजिट इन कॉन्ट्रास्ट वो आर्ग्यू कर रहा है दैट इट अपियर्स टू बी अ रिलेटिवली मॉडर्न एलियन इम्पोर्ट टू इंडिया. फिर से देख सकते हो यहाँ लिखा है विथ, तो विथ के बाद सब्जेक्ट आया तो वर्ब आईएनजी फॉर्म में जाएगा. अभी बताया मैंने जब भी आपको कहीं पे भी विथ लिखा हुआ मिले ना स्टार्टिंग में सेंटेंस के, तो बी श्योर कि वहाँ पे अगर आगे कोई सब्जेक्ट आ रहा है और फिर वर्ब की डिमांड है तो वर्ब कौन से फॉर्म में जाएगा बेटा, आईएनजी फॉर्म में जाएगा. तो इस तरह से वो सेंटेंस रहेगा, ठीक है. With a group surviving in Iran, there is growing interest in preserving the Asian population. तो वहाँ पे जो एक ग्रुप सर्वाइव कर रहा है ईरान में, तो इसीलिए उसके चलते एक वहाँ पे कह सकते हो कि पॉजिटिव वाइब्स मिल रही है और ऐसा लग रहा है कि यार हमें इसको प्रिजर्व करना चाहिए एशियन पॉपुलेशन को. बाकी आगे कह रहे हैं वॉट एवर इट्स ओरिजिन इट इज़ ऑल इलॉजिकल. अब आते हैं उस मुद्दे पे जो कि मैं यहाँ पे बता रहा था आप लोगों को, इट्स और इट इज़ में डिफरेंस क्या होता है. देखो बेटा हमेशा ध्यान रखो इट्स और इट इज़ में पहले तो क्या फ़र्क है ये समझना ज़रूरी है, राइट. सो इन दैट केस इट्स जो होता है ना वो एक पजेसिव एडजेक्टिव है. इट्स क्या है भाई, एक पजेसिव एडजेक्टिव है. तो इन दैट केस वहाँ पे अगर देखा जाए पजेसिव एडजेक्टिव, सो पजेसिव एडजेक्टिव है उसके बाद वहाँ पे नाउन ही आएगा. भाई एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन आता है. तो इट्स के बाद हमेशा आपको एक नाउन देखने को मिल जाएगा, जैसे वो चाहे वो कुछ भी हो, इट्स पॉपुलेशन या आप कुछ भी बोल दो, इट्स कोर, इट्स कमेंट्स, जो भी आप बोल रहे हो वहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ये पॉपुलेशन या जो भी लगेगा वो आगे नाउन लगेगा. और इट इज़ लगाए तो इट इज़ के बाद क्या दिखेगा भाई, इज़ लगाए तो इज़ एम आर वॉज वर्ब के बाद या तो वर्ब आईएनजी फॉर्म में लगेगा या फिर थर्ड फॉर्म में. आईएनजी फॉर्म एक्टिव वॉइस में होता है और थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में होता है, ठीक है. और अगर कुछ भी नहीं दिखाए इन दोनों में से तो एडजेक्टिव आना तय है. इट इज़ इलॉजिकल, इट इज़ लॉजिकल, इट इज़ कुछ भी आप बोल रहे हो कॉन्फिडेंशियल है ना, तो ऐसे केस में वहाँ पे वो एडजेक्टिव हो जाएगा. इट इज़ ब्यूटीफुल, तो उस तरह से हम अगर बोल रहे हैं तो वो हमें समझना पड़ेगा. देखो आप इट्स पॉपुलेशन बोल सकते हो बट इट इज़ पॉपुलेशन नहीं बोल सकते, है ना. आप इट इज़ पॉपुलस कंट्री ऐसा बोल सकते हो बट वहाँ पे इट इज़ अ पॉपुलस कंट्री उस तरह से बोल सकते हो बट पॉपुलेशन डायरेक्टली नहीं बोल पाओगे. वही चीज़ है जो हमें समझनी है वहाँ पे इट्स और इट इज़ में डिफरेंस. तो यहाँ देखो इट्स ओरिजिन्स, ओरिजिन्स तो नाउन है बट इट इज़ के बाद इलॉजिकल, ये एक एडजेक्टिव है. ए एल लगा है, वैसे भी ए एल लगे हुए अधिकतर वर्ड एडजेक्टिव का काम करते हैं, ठीक है. ओरिजिन्स लिखा है, वाई सर इज़ इट लाइक इट्स ओरिजिन्स लाइज इन वेदर इट्स ओरिजिन्स इट इज़ इलॉजिकल, नहीं वॉट एवर इट्स ओरिजिन्स, एक्चुअली वॉट एवर इट्स ओरिजिन्स आर मतलब जो अंकिता कुछ ऐसा ये सेंटेंस लिखा हुआ है इट्स ओरिजिन्स के बाद एक वर्ड अंडरस्टूड जो है वो है आर. अब पढ़ो
वॉट एवर इट्स ओरिजिन्स आर, उसके ओरिजिन्स चाहे कुछ ओरिजिन्स क्यों बोला है, क्योंकि भाई हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक ही जगह से वो ओरिजिनेट होने वाली बात है, कई मल्टीपल जगह भी हो सकते हैं, इसलिए वॉट एवर इट्स ओरिजिन्स आर, मतलब उसका वो आया कहाँ से ये हमें नहीं पता है, तो दैट केस चाहे उसके ओरिजिन्स कहीं से भी हो, डजेंट मैटर, इट इज़ इलॉजिकल टू एक्सपेक्ट दैट अ न्यू पॉपुलेशन, इस तरह से लिखा है, इसलिए वहाँ पे जो लिखने का तरीका है वो ओरिजिन्स वाले सेंस में जा रहा है, ठीक है। चलिए, इट इज़ वेरी हेल्पफुल, भाग्य कह रहे हैं सर ये रेगुलरली कंटिन्यू, बेटा रेगुलरली ही रहता है, अभी रिसेंटली ज़रा टाइम चेंज करने का चल रहा था इसलिए ऐसा हुआ है, सो डोंट वरी, इट रेगुलर ही रहता है। बाकी अगर देखा जाए भाई सेट, लेकिन हाँ रेगुलर उस समय नहीं रहेगा जिस हिसाब का अभी चल रहा है ना, लाइव बहुत ही कम है, अगर अच्छा लगता है आप लोग बोलते हो तो भाई उस सेशन को लाइक भी किया करो, लाइक से ज़्यादा तो मेरे हिसाब से आजकल डिसलाइक्स आ जाते हैं, क्या रीज़न है, कोई और किसी किसी को शायद पसंद नहीं आ रहा है, वॉट एवर जो भी है वो अपनी जगह है, तो एटलीस्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो और पहुँचाओ, भाई टाइम जैसे चेंज हुआ है तो वो चीज़ आपको बतानी पड़ेगी, ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट समथिंग एल्स, अब आज तो जैसे पहली बार ही टाइम चेंज होकर पहली बार और पता भी नहीं था किसी को, सो इन दैट केस देयर माइट बी अ कॉन्ड्रम, नो प्रॉब्लम। चलिए, इस टाइम ये फर्स्ट क्लास है, हाँ तमन्ना ये पहली बार ही 3 बजे हुई है, सो इसीलिए चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखा जाए, कह रहा है रिमार्केबली द एंटीक्विटी, ये तो मैंने बता दिया, वॉट एवर इट्स ओरिजिन आर, इट इज इलॉजिकल टू एक्सपेक्ट दैट अ न्यू पॉपुलेशन वेदर फ्रॉम अफ्रीका और ईरान विल फेयर बेटर टुडे दैन इन द पास्ट, तो वही कह रहे हैं कि भाई चाहे उसका ओरिजिन कहीं से भी हो, ये इलॉजिकल रहेगा एक्सपेक्ट करना कि जो न्यू पॉपुलेशन आएगी चाहे वो अफ्रीका से आए चाहे ईरान से, वो बेहतर एक तरह से सक्सेसफुल रहेगी या नहीं रहेगी, वो वाली बात यहाँ पे कही गई है। इट इज़ वर्थ रिकॉलिंग From that the same code observed in 2013 order restraining. अब यहाँ पे एक वर्ड आया है restraining, है ना, कुछ वर्ड होते हैं जैसे कि ये वर्ड है restrain है, refrain एक वर्ड आता है, ठीक है refrain, उसके अलावा मैंने ये सब वर्ड बताए थे prohibit, protect, ban, है ना prohibit, protect, ban, bar, इस तरह से कुछ भी वर्ड्स आ रहे हैं जो कि रोकने टोकने वाली बात करते हैं ना, या और वर्ड्स हो सकते हैं desist एक वर्ड आता है, तो ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने साथ क्या लेंगे, ये सब अपने साथ एक ही प्रीपोजिशन लेते हैं वो है from, इन सब के साथ from लगता है, ban, bar, ठीक है prohibit, protect, prevent, ये सारे वर्ड्स ऐसे रहेंगे जो कि वहाँ पे from प्रीपोजिशन लेते हैं, तो यहाँ पे वही हुआ है। It is worth recalling that the same code observed in its 2013 order restraining the environment ministry from importing, तो यहाँ पे फ्रॉम देख सकते हो आप लोग लिखा हुआ है, रिस्ट्रेनिंग है तो रिस्ट्रेनिंग मतलब रोकने के सेंस में है ना, तो इसलिए रिस्ट्रेनिंग देख सकते हो, प्रिवेंटिंग लिखा हुआ है, प्रिवेंटिंग समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, तो इसलिए वहाँ पे प्रीपोजिशन फ्रॉम आ रहा है। इंपोर्टिंग अफ्रीकन चीताज इंटू क्यूनो, अब यहाँ इंटू आ रहा है क्यों, कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि इंपोर्टिंग हो गया, तो इंपोर्टिंग भाई जब भी इंटू कब लगता है ये भी समझना, इंटू तब लगता है जब बाहर से कुछ चीज़ अंदर आती है, ठीक है जब भी बाहर से कुछ चीज़ अंदर आती है मतलब पोजीशन में चेंज होता है, सोर्स से कोई डेस्टिनेशन पे जा रहा है, तो ऐसे केस में वहाँ पे इनटू का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कुछ वर्ड जो कि अपने आप में लेते हैं सारे ट्रांस वाले वर्ड हैं, ट्रांसफ़र, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, ये सब अपने साथ इनटू लेते हैं, उसके अलावा कन्वर्ट, चेंज, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद इनटू आता है, अगर वो कन्वर्जन या कुछ ऐसा फॉर्म जो है वो आगे चेंज की सोर्स वहाँ मीडियम चेंज होने की बात हो रही है, माध्यम चेंज होने की बात हो रही है, तो ऐसे कैसे ऐसे में जो है वहाँ पे डेफिनेट हो जाता है कि ये सारा का सारा जो है वो फ्रॉम के केस में लगता है, ठीक है। भाग्य कह रहे हैं सर यूट्यूब पे आपके जैसा क्लियर एक्सप्लेनेशन कोई नहीं करता, तो बेटा वो तो ठीक है बट वो मेरे को बता के तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो सब लोगों को बताओ, अपने दोस्तों को बताओ, सो दैट दे कैन जॉइन इन एंड दे कैन डेफिनेटली अवेल द बेनिफिट, और सिंपल सी बात है भाई ये सेशन इसका कोई चार्ज तो वैसे भी नहीं रहता, फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पे, तो इन दैट केस भाई फ्री ऑफ कॉस्ट में है तो शेयर करने का भी कोई टैक्स नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही शेयर करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट ही लाइक करना है, अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर उसी से हमें पता चलता है कि इस सेशन को हमें कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए ना, वो आपका जो रिएक्शन है उस पर लाइव व्यूअर्स कितने हैं, व्यूज़ कितने जा रहे हैं या लाइक्स कितने आ रहे हैं, डिसलाइक्स कितने आ रहे हैं, उससे पता चलता है कि कोई सेशन जो है वो कंटिन्यू रखना चाहिए या जितने एफर्ट्स लग रहे हैं उसके हिसाब से उसको रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट थिंग, ठीक है, तो इसलिए उसमें कंजूसी मत किया करो अगर अच्छा लगता है तो। इस टाइम मैं लाइव देख पा रही हूँ, थैंक यू सर, अच्छा तो अभी तक लाइव नहीं देख पा रहे थे, ठीक है, तो तमन्ना हो गया, हैकर्स कह रहे हैं डिवाइडेड इंटू, हाँ डिवाइडेड भी अपने साथ इंटू ले लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो इन दैट केस वहाँ पे हम लगा सकते हैं।
फ्रॉम अफ्रीका टू क्यूनो, हाँ वहाँ पे इम्पोर्ट वर्ड यूज हुआ है ना, इसलिए हमने इम्पोर्ट के साथ इनटू का यूज किया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़े, मध्य प्रदेश दैट देर आर मेनी सीरियसली थ्रेटेंड इंडियन स्पीशीज सच एज लॉयन ग्रेट, तो ये सारी सारी स्पीशीज है, विच लग रहा है, डिजर्व आ रहा है प्लूरल सब्जेक्ट, क्यों, क्योंकि वहाँ पे स्पीशीज जो है उसके हिसाब से चल रहा है, तो वहाँ पे सेवरल लिखा है या मैनी लिखा हुआ है, इसलिए वो प्लूरल कंसिडर होते हुए यहाँ प्लूरल आ रहा है, ठीक है। इमीडिएट कंजर्वेशन एक्शन, बाकी ध्यान रखना स्पीशीज जो है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम रहता है, इसलिए उसमें कोई चेंज नहीं किया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एनी मूव टू रीवाइल्ड इंडिया थ्रेटेंड नेचुरल स्पेसेस विद चीताज विच रिक्वायर लार्ज ग्रासलैंड रेंजेस शुड कंसिडर द वायबिलिटी ऑफ सच अ प्रोग्राम, तो ऐसा कोई भी कदम उठाने से पहले जिससे कि आप क्या कर रहे हो, इंडिया के थ्रेटेंड नेचुरल स्पेसेस को रिवाइल्ड कर रहे हो, रिवाइल्ड का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट एन एनवायरमेंट एंड रिटर्न इट टू इट्स नेचुरल स्टेट, तो जब अगर ऐसा कोई कदम उठाने की आप सोच रहे हो, एनी मूव टू रिवाइल्ड India's threatened natural spaces with cheetahs, which require large grassland ranges, should consider the viability of such a program. तो ऐसे केस में उसको क्या कर लेना चाहिए, कोई भी ऐसा कदम उठाने से पहले it should consider the viability. Viability का मतलब होता है ability to work successfully, वो भाई कारगर साबित होगा या नहीं, तो वो ज़रूर पता कर लेना चाहिए कोई भी ऐसा कदम उठाने से पहले, ठीक है। बाकी कह रहे हैं, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स इज एन एरिया ऑफ कंसर्न एज अ ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन लिव्स चीक बाय जॉल विद टाइगर्स लेपर्ड्स एंड लॉन्ग रेंजिंग क्रिएचर्स सच एज एलिफेंट्स, तो वही कह रहे हैं मैन एनिमल के जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ना वो भी ज़रा देखना पड़ेगा भाई, वो भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि आजकल की जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो टाइगर्स लेपर्ड्स और लॉन्ग रेंजिंग क्रिएचर्स के साथ भी बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली बात है, मतलब यहाँ कंधे से कंधा मिलाने का मतलब क्या है पहले चीज़ को समझना, साथ मिलकर वो दोस्ती यारी नहीं हो जाएगी यहाँ पे, कंधे से कंधा मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि चीता वगैरह है लेपर्ड्स है ये सब पहले क्या भाई बहुत डरावने माने जाते थे ना, कि अगर ये आ गए तो इनसे निपटना मुश्किल है वगैरह, बट आजकल ह्यूमंस ने क्या कर लिया, इतनी प्रोग्रेस कर ली है, चाहे वो बंदूक वगैरह लेकर कह लो या कोई भी इक्विपमेंट्स इस तरह के बॉम्ब भी ले लो, है ना, कि अच्छा चीता वगैरह देखा तो ऐसे केस में क्या कर दिया जाए, उसको उड़ा दो बॉम्ब से या पिस्टल से या जो भी है, तो ऐसे केस में इसलिए वहाँ पे बोला जा रहा है चीक बाय जॉल मतलब कंधे से कंधा मतलब उसको टक्कर देने के लिए ह्यूमंस तो रेडी है, इसीलिए वो कह रहे हैं मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इज एन एरिया ऑफ कंसर्न एज अ ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। इस पे बेस्ट क्वेश्चन बन सकता है आरसी का कि व्हाई हैज चीक बाय जॉल बीन यूज्ड इवन डिस्पाइट द मैंशनिंग ऑफ एरिया ऑफ कंसर्न ऑफ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, इस तरह के से कुछ क्वेश्चन बन सकता है, या what is the area of concern when the growing human population is ready to live cheek by jowl, तो हमें बताना पड़ेगा, because यहाँ पे cheek by jowl का जो मतलब जाएगा वो जाएगा क्या कि वो वहाँ पे टक्कर देने के लिए रेडी है, कि भैया अगर तुम अटैक करो हम तो तुम्हें गोली से उड़ा देंगे, है ना, उस तरह की वहाँ पे बात की जा रही है। सो सच एज एलिफेंट्स और लॉन्ग रेंजिंग क्रिएचर सभी लोगों से टक्कर बिल्कुल जो है टक्कर देने के लिए रेडी है आज की ह्यूमन पॉपुलेशन। वाइल द कोर्ट हैज अपॉइंटेड एन एक्सपर्ट कमिटी टू गाइड एंड डायरेक्ट द एक्सपेरिमेंट प्रपोज बाय नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इट नीड्स अ ब्रॉडर साइंटिफिक इंक्वायरी इनटू द एडेड प्रेशर्स दैट अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इंट्रोड्यूस्ड प्रिडेटर्स विल इम्पोज ऑन द इकोसिस्टम, तो कह रहे हैं क्या कि एक तरफ जो कोर्ट है उसने अपॉइंट की है ऐसी एक कमिटी, एक्सपर्ट कमिटी वहाँ पे अपॉइंट की है जो कि गाइड कर सके या डायरेक्ट कर सके एक्सपेरिमेंट को जो कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने प्रपोज किया है, वहीं दूसरी तरफ वाइल लगाता तो एक तरफ जहाँ कोर्ट ने ऐसा ऐसा किया वहीं दूसरी तरफ क्या इट नीड्स अ ब्रॉडर साइंटिफिक इंक्वायरी, उसमें एक साइंटिफिक इंक्वायरी होनी चाहिए इंटू the added pressures that a small group of introduced predators, तो ऐसे कि इसमें जो added pressures है जो कि small group of introduced predators जो होते हैं, predators मतलब जो hunters वगैरह होते हैं, will impose on the ecosystem, जिससे कि ecosystem पे उसका क्या effect पड़ेगा, impose लगा है, impose के साथ हमेशा on देखने को मिलता है, impose something on someone या influence, impact या कुछ ऐसे words है जो अपने साथ on लेते हैं, ठीक है। Crucially on the, यहाँ on अभी भी वही है, crucially imposition on the prey base that currently sustains tigers and leopards, इस तरह से वो जा रहा है। Any attempt at expensive rewilding will be negated by parallel efforts to liberalize environmental clearances for extractive industries in and around forests, तो कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा attempt किया जाएगा अगर जिसमें कि भाई एक्सपेंसिव रीवाइल्डिंग मतलब रीवाइल्डिंग अभी बताया था जो कि प्रोटेक्ट करने का तरीका होता है ना टू प्रोटेक्ट एन एनवायरनमेंट एंड रिटर्न टू इट्स नेचुरल स्टेट, तो ऐसे केस में कोई भी ऐसा जो स्टेप उठाया जाएगा अटेम्प्ट किया जाएगा जिसमें कि आप ये प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो जो कि एक्सपेंसिव भी होगा मतलब अपने आप में क्या रहेगा वो खर्चीला तो होगा ही होगा, तो वो पूरी तरह से नेगेट हो जाएगा मतलब उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि पैरेलल एफर्ट्स क्या लगे होंगे, पैरेलल एफर्ट्स
इस चीज़ को लिबरलाइज मतलब फ्री करने में लगे होंगे किस चीज़ को, एनवायरनमेंट क्लियरेंसेस को। तो वही चीज़ है फॉर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, क्योंकि भाई इंडस्ट्रीज वगैरह बनने हैं तो इन एंड अराउंड फॉरेस्ट ही बनेंगे, तो ऐसे केस में उसके चलते ये सब चीज़ें फिर उठा के फेंक दी जाएगी। तो ऐसे में जो आप इतना खर्चा करोगे उन सबको इधर लाने में और फिर कुछ इंडस्ट्रीज वगैरह आके उसको तबाह कर देंगे, तो ऐसे केस में उसका कोई भी यूज़ नहीं रहेगा। दैट्स व्हाई ये चीज़ मना की जा रही है, ठीक है। बाकी अगर देखें तो इन दैट केस वहाँ पे क्या कह रहे हैं, मटेरियल एक्सट्रैक्शन इंक्लूडिंग मिनरल्स इज गोइंग ऑन क्लोज टू प्रोटेक्टेड एरियाज, ठीक है। तो मटेरियल एक्सट्रैक्शन जो है, ये जो प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन की, मटेरियल एक्सट्रैक्शन इंक्लूडिंग मिनरल्स इज गोइंग ऑन क्लोज टू प्रोटेक्टेड एरियाज, मैंने पहले भी बताया जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाले वर्ड्स होते हैं उसमें प्रीपोजिशन आता है, रिलेटिव प्रोनाउन आता है, उसके अलावा भी मैंने कुछ वर्ड्स अभी रिसेंटली एक सेशन में बताए थे सारे के सारे, जिसमें कि इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग सच एज इस तरह के वर्ड्स आते हैं ना। तो मटेरियल एक्सट्रैक्शन, तो आगे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, मिनरल्स के हिसाब से मत चलना, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इस जो आ रहा है वो इस एक्सट्रैक्शन की वजह से आ रहा है। मटेरियल एक्सट्रैक्शन इज गोइंग ऑन क्लोज टू प्रोटेक्टेड एरियाज, तो ऐसे कि इसमें जो मटेरियल एक्सट्रैक्शन है मतलब कुछ भी मटेरियल जैसे मिनरल्स वगैरह निकालने का काम है, तो वो गोइंग ऑन मतलब वो जारी है जो प्रोटेक्टेड एरियाज है उसके अगल बगल, और फ्रेश रोड्स आर सॉट टू बी बिल्ट, और साथ ही साथ जो है जो फ्रेश रोड्स है बिल्कुल मतलब कह सकते हो नए रोड कंस्ट्रक्शन होने बाकी है, तो ऐसे केस में सॉट टू बी बिल्ट थ्रू इवन टाइगर टेरिटरी, तो ऐसे केस में जो टाइगर टेरिटरी है मतलब जहाँ पे टाइगर कंजर्व करके या प्रिजर्व करके रखा हुआ है वहाँ से भी नए रोड्स बनेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है इन सब से क्या होगा, पूरा वो सब चीज़ें हटाई जाएंगी, तो इन दैट केस मेकिंग प्रिस्टीन रीवाइल्डिंग एंड इनकॉन्ग्रस कॉन्सेप्ट। तो ऐसे में यहाँ पे 15 नंबर पे जो प्रिस्टीन यूज़ हुआ है मतलब स्पॉटलेस एंड स्पॉइल्ड परफेक्ट रीवाइल्डिंग जो चाहिए करना चाहते हैं कि भाई रीवाइल्डिंग हो जाए मतलब उसमें कुछ भी ना हो, तो ऐसे में उससे क्या हो जाएगा, वो एक बेतुका सा कॉन्सेप्ट रह जाएगा, मतलब वो करना बेवकूफ़ी मानी जाएगी, सिंपल भाषा में ये कह रहे हैं। मोर ओवर चीताज आर जेनेटिकली फ्रेजाइल एंड लूज कब्स इन अ लिटर प्री मेच्योरली, तो कह रहे हैं चीता जो होता है वो अपने आप में कमज़ोर होते हैं, ठीक है, कमज़ोर होते हैं इस मामले में, क्यों किस मामले में, एंड लूज कब्ज इन अ लिटर प्री मेच्योरली, मतलब लिटर क्या होता है, लिटर मतलब एक ग्रुप ऑफ, जब एक साथ नंबर ऑफ यंग एनिमल्स बॉर्न टू एन एनिमल एट वन टाइम, जैसे हम लोगों को इंसानों को कभी कभी देखा होगा ट्विंस हो जाते हैं ना, या कभी कभी तीन वाले भी होते हैं, तो इनको जो है वो उनके एक साथ बहुत सारे भी बच्चे पैदा होते हैं, तो उसी में वो कह रहे हैं कि इस मामले में जेनेटिकली अगर देखा जाए जीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो थोड़े कमज़ोर होते हैं, और उनके जो है प्री मेच्योरली जो लिटर मतलब एक साथ जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें से काफ़ी सारे कब्ज़ जो है वो मर जाते हैं, ठीक है, लूज कब्ज मतलब वो वहाँ पे उनके नुकसान हो जाता है, अफेक्टिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ वाइबल पॉपुलेशन, और इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि जो मतलब सक्सेसफुली वो पॉपुलेशन फिट होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, ठीक है, मतलब एक तरह से वो जो वाइबल पॉपुलेशन होनी चाहिए कि भाई इतने जब पैदा हो रहे हैं तो फिर कहाँ जा रहे हैं, तो क्योंकि आधे तो वही नुकसान में मर जाते हैं, फिर इस तरह की कुछ चीज़ें होंगी जो कि भाई नए रोड वगैरह बन रहे हैं तो वहाँ से हटाया जाएगा उसमें वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं रहती हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं रिस्टोरिंग इकोलॉजी एंड डाइवर्स स्पीशीज कैन नॉट बी अ सीरियस गोल इन द एब्सेंस ऑफ आयरन क्लैड प्रोटेक्शंस टू एग्जिस्टिंग पार्क, आयरन क्लैड मतलब कवर्ड विथ आयरन, जो प्रोटेक्टेड विथ आयरन रहेगा, तो कह रहे हैं क्या इकोलॉजी को और डाइवर्स स्पीशीज़ को अगर आप रिस्टोर करना चाहते हो वो सीरियस गोल तब तक नहीं माना जा सकता जब तक क्या वहाँ पे जो भी एग्जिस्टिंग पार्क वगैरह उसमें आयरन क्लैड मतलब आयरन के जो एक तरह से जंजीरे टाइप ऐसा लगना चाहिए, प्रोटेक्शन लगना चाहिए, वो जब तक नहीं है तब तक नहीं माना जा सकता कि वो अपने आप में एक सीरियस गोल है, ठीक है। आप इसको ऐसा भी पढ़ सकते हो, कई बार ऐसी चीज़ें कंफ्यूज कर जाती है, मैंने पहले भी बताया नेगेटिव और नेगेटिव टाइप का आता है ना, तो उसको नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल करो। अब पढ़ो इसको कैसे पढ़ोगे, रिस्टोरिंग इकोलॉजी एंड डाइवर्स स्पीशीज कैन बी अ सीरियस गोल ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन क्लैड प्रोटेक्शंस टू एग्जिस्टिंग पार्क। अब पढ़ने में कितना आसानी लग रहा है कि मतलब वो जो कॉम्प्लिकेटेड भाषा थी वो क्लियर हो गई, कि रिस्टोरिंग इकोलॉजी एंड डाइवर्स स्पीशीज कैन बी अ सीरियस गोल ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन क्लैड, तो ये सीरियस गोल का मान सकता है जब भाई प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्शन मतलब जो एग्जिस्टिंग पार्क्स में प्रोटेक्शन है वो उसके आयरन क्लैड से वो वहाँ पे कहीं ना कहीं लगा हुआ हो, ठीक है। सेंचुरीज माइग्रेटरी कॉरिडोर्स बफर एरियाज इन सब में क्या लगाओ, आयरन क्लैड लगाओ, तभी वो सीरियस गोल माना जा सकता है कि आप सच में रिस्टोर करना चाहते हो। प्रिजर्विंग वाइल्ड स्पेसेस विद सर्वाइविंग स्पीशीज शुड बी द फर्स्ट ऑर्डर प्रायोरिटी, मतलब वो सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए कि आप वाइल्ड स्पेसेस को जो अभी स्पीशीज सर्वाइव कर रहे हैं उनसे आप क्या कर पाओ, उनको उनसे आप प्रिजर्व कर पाओ, तो उन लोगों को प्रिजर्व कर पाओ तब माना जा सकता है। इसमें एक चीज़ देखो बेटा, रिस्टोरिंग लिखा हुआ है और यहाँ प्रिजर्विंग लगा हुआ है, दोनों जो सेंटेंस है वो अपने आप में शुरू हुए एक तरह से किससे, वो हुए जीरंड से,
तो रिस्टोरिंग एकोलॉजी एंड इकोलॉजी एंड डाइवर्स स्पीशीज, अगर यहाँ पे कैनॉट भी नहीं लिखा होता, इज या एम या आर में से चूज करना होता तो हम क्या लगाते वहाँ पे, तो वहाँ पे हम इज लगाते. क्यों? क्योंकि भाई ये जीरंड है, जीरंड मतलब एक एक्टिविटी है, तो अगर एक बार वर्ब आईएनजी फॉर्म है और उसी से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो आप इज लगा दोगे. जैसे मैंने कहा, अगर सेंटेंस एक एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूँ रीडिंग डैश माय हॉबी, तो ऐसे केस में हम क्या लगा देंगे, रीडिंग डैश माय हॉबी. ऑब्वियस सी बात है रीडिंग इज माय हॉबी वहाँ पे लग जाएगा, है ना, रीडिंग इज माय हॉबी. चाहे अब आप रीडिंग बुक्स लगा दो, चाहे कुछ भी लगा दो, रहेगा इज ही. केवल फर्क तब पड़ता है जब रीडिंग, जैसे मैंने कहा कि प्लेइंग एंड वॉचिंग क्रिकेट, अब अगर मैं कह रहा हूँ प्लेइंग एंड वॉचिंग क्रिकेट तो ये दो अलग एक्टिविटीज है ना, खेलना क्रिकेट अलग है, वॉचिंग क्रिकेट अलग है, तो ऐसे केस में अब लग जाएगा आर माय फेवरेट, तो ऐसे केस में वहाँ पे आर लग जाएगा जब दो एक्टिविटीज एंड से जुड़ के आ रही हैं तब. अभी के लिए अगर वहाँ पे आता प्रिजर्विंग वाइल्ड स्पेसेस विद सर्वाइविंग स्पीशीज इज द फर्स्ट ऑर्डर प्रायोरिटी, इसी तरह से रहेगा, वहाँ पे भी इज ही लगना चाहिए. ठीक है. चलिए, तो इन दैट केस मैंने अपनी तरफ से सब बता ही दिया है. हाँ, रीडिंग एंड राइटिंग आर माई हॉबी. बेटा हॉबी नहीं, फिर हॉबीज हो जाएगा अर्बित, ये ध्यान रखना, हॉबी नहीं रहेगा, हॉबीज रहेगा क्योंकि आप दोनों की बात कर रहे हो वहाँ पे. ठीक है, लास्ट सेंटेंस का ग्रामर बता दो. बेटा बता दिया था बंदा, इसी वाले का अगर कह रहे हो तो वहाँ पे मैंने बता दिया प्रिजर्विंग वाइल्ड स्पेसेस. अब अगर वहाँ पे विद सर्वाइविंग स्पीशीज लिखा भी था और इज एम आर चूज करना होता शुड में, तो भी हम इज ही चूज करते कि प्रिजर्विंग वाइल्ड स्पेसेस विद सर्वाइविंग स्पीशीज. चाहे स्पीशीज प्लूरल लिखा था, चाहे वाइल्ड स्पेसेस लगा था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. प्रिजर्विंग वो एक्टिविटी है और एक एक्टिविटी है तो सिंगुलर ही आना चाहिए. ठीक है, आई होप सो दिस इज फाइन. सब लोगों को जो है वो क्लियर हो गया है. मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है क्योंकि भाई आप खुद सोचो ना, कौन है, प्रिया है ना, प्रिया आप खुद बताओ, जब आप जैसे मान लो आप कहीं रहते हो, अगर उसके आसपास कोई ऐसा बड़ा जानवर जैसे टाइगर लेपर्ड या डायनासोर टाइप के, डायनासोर तो खैर बहुत ज़्यादा हो गया, बट स्टिल ऐसे अगर शेर वगैरह आ जाए तो क्या आप वहाँ पे उसको बैठ के पालोगे, अरे बेटा अरे तू आ गया, अरे खाना खा ले, ऐसा तो नहीं होगा ना. वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे या तो वो आपको मार देगा या आप उसको मार दोगे, कोई एक ही चीज़ होगी. दिस इज कॉल्ड एज मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, कि भाई मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, कोई एक ही टिक सकता है एक जगह, इसीलिए हम जो है उनके उस चीज़ के लिए ही हम लोग अगर उनको रखते भी है कहीं तो जू वगैरह में, तो उनको बांध के पूरा जो है बंद करके रखते हैं, वही चीज़ है. बाकी एक वैसे अभी रिसेंटली मुझे याद नहीं है कहाँ पे है, आप लोग ज़्यादा जीए पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि एक ऐसे पार्क की कहीं तो भी घोषणा हुई है, शायद झारखंड में या छत्तीसगढ़ में, आई डोंट नो. तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे पूरा खुला ओपन एरिया है, अगर आपको उसमें जाना है तो आप एक बंद, मतलब कह सकते हो पूरा का पूरा बंद उसमें जाओगे, वो लोग, उन लोगों को बांधना नहीं जाएगा, फ्रीडम में वो लोग रहेंगे और आप जो जाओगे वो एक बंद उस व्हीकल या एक पूरा पाथ बना हुआ है उसके थ्रू आप जाओगे. ठीक है, तो इसीलिए तो कहने का मतलब होता है कि अब उस तरह का भी कुछ कॉन्सेप्ट आ रहा है कि भाई उन लोगों को हम क्यों बांध के रखें, तो वो भी एक चीज़ रहेगी. बाकी सेशन कैसा लगा डू लेट मी नो, मेरे को ज़रूर बता देना सेशन कैसा था. अगर अच्छा लगा, पूरा समझ में आया तो लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों को बता देना. भाई जो लोगों को टाइम नहीं मिल रहा था सुबह देखने में, तो ऐसे में अब दोपहर को है, तो ऐसे कि इसमें दोपहर को वो देख सकते हैं इफ़ दे वर नॉट एबल टू वॉच इट लाइव, तो ऐसे कि इसमें अब लाइव डायरेक्टली 3 बजे तो आई थिंक सो सभी लोग कैच कर सकते हैं. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बता देना सो दैट लोगों को पता चल जाए. ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. बाकी जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि कैसा लगा सेशन, बाकी ये टाइम सब लोगों को जो है सही है या नहीं है वो भी ज़रूर बता देना, लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना, बिकॉज आफ्टर ऑल शेयरिंग इज केयरिंग.